आपको बताएं, गैर कानूनी सोसाइटियां बच ना पाई। एंटी करप्शन टेक्निकल टीम और एलडीए की टीम की मुश्तरका कार्रवाई। इरम गार्डन मिडलैंड फॉर्म्स हाउसिंग स्कीम के दफातर को ताले लगा दिए गए और रहमत प्रोजेक्ट का दफ्तर भी सर्बमोहर कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे इन कार्रवाइयों की जीशान मलिक से। जीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर अफगर जोया की हदायत पर तमाम गैर कानूनी सोसाइटीज जिनमें इरम गार्डन मिडलैंड फॉर्म हाउसिंग स्कीम अल रहमत प्रोजेक्ट का दफ्तर भी सील कर दिया गया। तमाम मुतादिद सोसाइटियों को सील किया गया, इनके तमाम दफातर को, क्योंकि ये अप्रूव नहीं थे, इन्होंने हुकूमत से इजाजत नहीं ली थी, जिस पे एलडीए और एंटी करप्शन की टेक्निकल टीम ने ये कार्रवाई की है। और इस तरह मुतादिद और सोसाइटियों के खिलाफ भी आइंदा हफ्ते में भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इस हमारे डायरेक्टर एंटी करप्शन का कहना है कि लाहौर में कब्जा माफिया है जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसके खिलाफ से घेरा तंग कर दिया है। आइंदा रोज में भी ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, ताहम किसी को भी इस पे नहीं छोड़ा जाएगा और जो इन्होंने पैसा लूटा हुआ है वो एंटी करप्शन रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाएगा। शुक्रिया जीशान मलिक।